क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया है इससे हम पूरी तरीके से असहमत हैं। हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि देश का उच्च न्यायालय दिल्ली में जिस तरीके की उस दिन आर्ग्यूमेंट्स हुई और करीब 12-13 दिन बाद ये फैसला आया है और बेल का करीब एक वीक के बाद आया है, हम लोग इसकी को स्टडी करके और इसकी जो भी रेमेडीज होंगी उसको अवेल करेंगे। और ये हमारी लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई भी है और जिस तरीके से देश के अंदर जो माहौल चल रहा है वो सब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत मजबूत नेता हैं और इस लड़ाई को हम देश के जब तक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, हमारे को उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे और बाकी जो भी रेमेडीज होंगी उसको अवेल करेंगे। बाकी हम उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। जबरदस्ती ऐसे का निपटारा करते हो, हाईकोर्ट ने कहा कि एप्लीकेंट शुड अप्रोच द ट्रायल कोर्ट फॉर, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ये आर्ग्यूमेंट हुई थी, मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने उसके बावजूद भी आर्ग्यूमेंट सुनी थी, तो हम लोगों को उम्मीद ये थी कि इस आर्ग्यूमेंट को, सीबीआई की आर्ग्यूमेंट को उन्होंने दरकिनार करते हुए मेरिट पे सुनवाई की है। और जब पूरी मेरिट पे सुनवाई के बाद अगर उच्च न्यायालय ये कमेंट्स करते हैं, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये हमारी लड़ाई थोड़ी टफ जरूर है लेकिन इस लड़ाई को हम पक्का जीत कर निकलेंगे क्योंकि ये सत्य की लड़ाई है। तो सर अगला लड़ाई का मोर्चा कहां बनाएंगे, निचली अदालत में या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, पूरी तरीके से इसको स्टडी करके और उम्मीद ये है कि हम पहले सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे क्योंकि इस फैसले से पूरी तरीके से असहमत है। कब तक फाइल कर देंगे? बहुत जल्दी आपको पता चलेगा।